नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ मसाला के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मसाला खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 2 मिनट की वीडियो है, बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मसाले में गुणकारी होता है हल्दी। हल्दी को सब्जी में डालने से या दाल में डालने से गांठ गांठ की दर्द और गैठिया की बीमारी ये मिट जाता है, और जिनको गठिया की बीमारी भी है उनको भी ये हल्दी जो है उस सब्जी में ज़्यादा डाल करके खाना चाहिए। इससे गठिया की बीमारी मिटती है। पहला नंबर, ये मिर्चा जो देख रहे हैं, ये हार्ट अटैक जिनको है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, शरीर में गर्मी महसूस होती हो, उनको एक लाल मिर्च सब्जी में ज़रूर डालना चाहिए। एक आदमी के लिए एक काफ़ी है। पहला नंबर, ये लहसुन देख रहे हैं, लहसुन मसाला में पीसा जाता है इसलिए कि टीबी की बीमारी ना हो, दमा ना हो और सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, इससे बुखार भी मिट जाता है। दोस्तों अगर आप अपना आजमाइएगा, अगर आप लोगों को कभी काल सर्दी जुकाम हो गया हो तो इस सिर्फ एक कली लहसुन को, जैसे कि हम दिखाते हैं, सिर्फ एक कली इस लहसुन को छील करके निगल जाइएगा, यानी खा लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा बुखार की अंत हो जाएगी, इसमें इतना गुण पाया जाता है। अच्छा, ये हो गया धनिया। धनिया जो है बहुत है, धनिया आपको दिखाते हैं, देखिए ये धनिया है। अगर धनिया आप मसाला में पीसते हैं तो इसका तवसीर जो है वो ठंडा होता है, इससे समझिए कि बीमारी प्रसूता की नहीं होती है इसको धनिया से, और हाथ पांव की जलन जो है वो दूर होता है। और ये हो गया जीरा मिर्च, ये मिर्च हो गया, मिर्च जो है बाई बादी पेट की गैस एसिडिटी दूर रखता है, इसीलिए जीरा मिर्च को ज़रूर डालना चाहिए, इसमें इतना गुण पाया जाता है। और ये मिर्च जीरा को ज़रूर डालना चाहिए सब्जी में, क्योंकि इस जीरा को डालेंगे आप लोग तो शरीर ठंडा रहेगा और पेट की गैस और आचरा कचरा और किडनी की प्रॉब्लम जितना भी होगी वो इस मसाले के द्वारा बाहर होती है। इसीलिए दोस्तों कभी भी सब्जी बनाएं तो मसाला डाल करके ही बनाएं। जो लोग मसाला नहीं डालते हैं उन्हीं लोगों को सभी तकलीफें बढ़ जाती है। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।